नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स का चैनल नंबर 10। हम हाजिर हैं लेकर कक्षा 10वीं का ये हमारा लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर। इसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विषय है संस्कृत और जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सौहार्द्रम प्रकृते शोभा। तो यानी कि जो प्रकृति की सुंदरता है उससे आज आपका परिचय होगा इस पाठ के माध्यम से। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सौहार्द्रम एक ऐसा शब्द जिसमें सुंदरता बसी हुई है, समाई हुई है, कैसे प्रकृति का बखान किया गया है इस पाठ में, हमारे बच्चों को बताएं। जी, सौहार्द्रम प्रकृते शोभा शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें जी तो बड़ा सहज सा प्रतीत होता है कि प्रकृति की सुंदरता क्या है। क्या जो हम वृक्ष देखते हैं हरे भरे, क्या ये सुंदरता है? या जो हम आर्टिफिशियल एक कृत्रिम वातावरण बना करके सौंदर्य वहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो है? या झरने, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं वो है? वास्तव में शोभा है क्या, सुंदरता है, किस चीज में सुंदरता निहित है? तो एक साधारण और सहज वाक्य में उत्तर देते हैं, सौहार्द्रम। प्रकृति की जो सुंदरता है वो क्या है? सौहार्द्र। सौहार्द माने तो सुंदर, हृदय का जो भाव है वह सौहार्द्र है। सबके प्रति सुंदर मन होना, हम किसी के भी प्रति दुर्भाव ना रखें, उसके ना तो दूसरे के पतन के बारे में सोचें, ना तो उसे कैसे पीछे किया जाए ये सोचें। तात्पर्य यह है कि सब सुखी रहें, किसी को किसी प्रकार का समस्या ना हो या किसी प्रकार का दोष ना हो। आज आप देखिए समाज में कितना, तुरंत का अगर उदाहरण देखें तो वैश्विक स्तर पे जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है, क्या वो सौहार्द का प्रतीक है? उत्तर होगा नहीं, वो सौहार्द नहीं है, वो दुर्भावना से प्रेरित है। किसी भी कारणवश हो, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो दुर्भावना से प्रेरित है। तो प्रकृति, अगर हम प्रकृति से संपूर्ण भूमंडल को लें, प्रकृति अर्थात ये भूमंडल हम जहाँ निवास कर रहे हैं, ब्रह्मांड की बात नहीं करते, शास्त्र तो ब्रह्मांड की बात करते हैं, लेकिन हम अपने ही वातावरण की भी बात करें तो इस वातावरण को स्वच्छ, सुंदर, स्थायी और बहुत समय तक, कहें तो चिरस्थायी अगर रखने का उपाय है तो क्या होगा? तो एक वाक्यांश में ये शब्द कहा गया कि सौहार्द्रम प्रकृते शोभा, कि प्रकृति की जो सुंदरता है, प्रकृति का जो चिरस्थायीपन है, जो इसकी महनीयता, इसका जो महत्व है, वो है सौहार्द, यानी सुंदर हृदय का भाव रखना सबके प्रति, प्राणी मात्र। सबके प्रति कह देने का तात्पर्य होता है कि चाहे वो स्थावर हो, जंगम हो, सजीव हो, निर्जीव हो, हर एक के प्रति हम अगर अपने सुंदर भाव रखते हैं, उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहते, तो हम सुहृद हैं उनके और वह सौहार्द है। और अगर वह सौहार्द हम स्थापित करते हैं तभी प्रकृति सुंदर है, और अगर वह सौहार्द खो जाता है तो प्रकृति सुंदर नहीं होती है, फिर वह विनाशकारिणी हो जाती है, वह हानिकारक होती है। इसी बात को इस पाठ में कुछ वन्य पशुओं के माध्यम से बताया गया है कि वन्य पशु भी, जिन्हें हम या तथाकथित लोग ऐसा कहते हैं कि ये ज्ञान से विहीन हैं, ये पशु सामाजिकता को नहीं समझते या हमारे जैसे पुस्तकों के ज्ञान से रहित हैं, वो भी एक अपने वातावरण में रहते हैं, उनका भी एक दर्शन है, एक समाज है। उसके माध्यम से इस पाठ में बताया गया है कि जिस प्रकार से मनुष्यों के बीच में कोलाहल होता है, बात विचार होते हैं, परिचर्चाएं होती हैं, वैसे ही पशुओं के, पक्षियों के बीच में भी परिचर्चाएं होती हैं, आपस में कलह होता है, लेकिन उस कलह को वो शांत कैसे करते हैं, उससे वो बचते कैसे हैं, और उससे बच करके
जंगल में रह पाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ इस पाठ में दिखाया गया कि एक जंगल के राजा के रूप में जो प्रतिष्ठित है, एक सिंह है, वह सिंह सो रहा होता है तो दूसरा बंदर उसके पास पहुंचता है और उसका कान खींच के भागता है या उसकी पूंछ खींच कर भागता है। तो दूसरा दूर बैठा हुआ कोई पक्षी है जो देखता है कि ऐसी प्रकृति है सिंह की, सिंह क्रोधित होता है लेकिन बंदर को मार नहीं देता, उसे डांटता है, फिर उसे नज़रअंदाज कर देता है कि शायद इसका स्वभाव है इस प्रकार का चंचल होना, इसलिए ऐसा करता है। तो देखने वाला जो पक्षी है वो कहता है कि अरे एक ऐसा सिंह है जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, जंगल की रक्षा क्या। आप जानते हैं समाज में एक किसी घटना के बाद कितनी सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं, वहाँ भी ऐसी प्रतिक्रिया होती है। फिर उसके पोषण में उसकी बात को लेकर और परिचर्चा होती है तो पास में बैठा कौवा बोलता है कि इससे अच्छा तो मैं राजा बन सकता हूँ, अपनी विशेषताओं को बताता है। तब तक बगुला होता है बक, वह भी अपनी विशेषताओं को बताता है। ऐसे मयूर अपनी विशेषताओं को बताता है कि ओह इससे अच्छा तो मैं राजा हो सकता हूँ, मुझे क्यों ना बनाया जाए। हाथी बोलता है अरे हम में कुछ विशेषताएं हैं। तो सभी किसी ना किसी विशेषता से युक्त होते हैं, कोई भी संसार में निरर्थक नहीं है, चाहे वो सुई हो या तलवार, अपने अपने स्थान पर कार्य करने के लिए उपयोगी हैं। अश्वश्चेत धावने तावत सफल भवति, वह प्रवीण भवति, अश्व है वह दौड़ने में प्रवीण है, और अगर भार ढोने को कहा जाए तो फिर वहाँ गर्दभ भार ढोने में प्रवीण है। तो सभी अपने अपने क्रिया के अनुरूप, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार महत्वपूर्ण होते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अंत में इस पाठ में प्रकृति माता आती हैं और वो कहती हैं कि कुछ भी निरर्थक नहीं है, आप लोग इस प्रकार का आपस में जो झगड़ा करना है वो मत करिए, नहीं तो प्रकृति दूषित होगी, प्रकृति में सामंजस्य नहीं रह पाएगा, और प्रकृति में सामंजस्य नहीं होगा तो सभी दुखी होंगे। एक दूसरे को दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता, कष्ट में होंगे, मानसिक क्लेश होगा या अन्य पर्यावरण जन्य क्लेश होगा, इसलिए फिर प्रकृति माता आकर के समझाती हैं। इसी बात को, ये पाठ बहुत बड़ा है, एक घंटे डेढ़ घंटे लगभग इस पाठ को पढ़ने में लग जाएंगे, या पीरियड में पढ़ें तो दो या तीन क्लासें इस पाठ में होंगी, इसलिए हमने इस पाठ को सारांश में आपके सामने बताने का प्रयास किया कि इसका मुख्य ध्येय क्या है, हम इसे क्यों पढ़ें। भाषा की दृष्टि से जब हम पढ़ेंगे तो आज हम इसके कुछ अंश को पढ़ेंगे, शेष जो बचा हुआ पाठ होगा उसे दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो मुख्य उत्स है, इसका जो सारांश है, वो यही हमें प्रेरित करता है कि हम सामंजस्य बना करके दूसरे के प्रति सहज भाव वाले होकर के, दूसरे का सुहृद होकर के अगर समाज में रहते हैं तो हम भी सुरक्षित हैं और अगला व्यक्ति भी सुरक्षित होगा, प्रकृति भी सुरक्षित होगी। और अगर हट करके अपनी बात को ही सिद्ध करते हुए दूसरे की बात ना मानकर हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो स्वयं भी दुखी होंगे, अगला व्यक्ति भी दुखी होगा और समाज का वातावरण भी दूषित होगा। इस पाठ का ध्येय और जो सार है वो हमको यही प्राप्त होता है। सौहार्द्रम प्रकृतेः शोभा, आप स्लाइड के माध्यम से देखेंगे, इस चित्र में एक सिंह सो रहा है और यहाँ पर उछल कूद करता हुआ बानर, एक दो बानर भी, स्वभावतः बानर चंचल होते हैं, वो शांत नहीं बैठते, वो ऐसी कुछ घटना कर रहे हैं जिससे कि शेर को परेशानी हो। और ये लास्ट में प्रकृति माता आती हैं, उनका चित्र है, वो सबको समझाती हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रकृति माता हमारी सरस्वती विद्या या हमारा विवेक हो सकता है जो हमें जीवन में अलग अलग कार्यों पे प्रेरित करता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और सुखमय करें। और यहाँ ये पक्षी हैं जो ये निर्णय कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे कहा जाए तो जैसे रायचंद लोग होते हैं, कोई भी बात आती है तो अपना उदाहरण देना शुरू कर देते हैं कि इससे अच्छा तो मैं कर सकता था, तो ऐसे रायचंद लोग जो हैं वो ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं अब। सौहार्द्रम प्रकृतेः शोभा, अयम पाठः
परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्यात् इति बोधयति। यह पाठ परस्पर हम सभी का एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, अच्छे व्यवहार हो, दोष रहित व्यवहार हो, ऐसा बोध कराता है। संप्रति वयम पश्यामः, वर्तमान में हम देखते हैं यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः। समाज में लोग जो हैं आत्माभिमानी, आत्माभिमानिनः का तात्पर्य है कि अपने आप को ही मानना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, दूसरा कोई नहीं, ऐसा जो मानने वाले लोग हैं वो आत्माभिमानी कहा जाता है। इन्हें स्वाभिमानी नहीं कहा जाएगा, अभिमानी कहा जाएगा, उन्हें अपने ऊपर ज्यादा अभिमान है। हाँ, कि मैं ही हूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, मैं ही हूँ और मैं भी हूँ, ये अंतर है। जी, बिल्कुल। तो वो मैं ही हूँ जो कहने वाले हैं वो आत्माभिमानी माने जाते हैं। मैं भी हूँ, इस समुदाय में सभी लोग हैं तो अपनी भी एक गणना है तो वो होना चाहिए। तो वो स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान रहित तो नहीं ही होना चाहिए। तो संप्रति आत्माभिमानिनः संजाताः, हम देखते हैं कि आत्माभिमानी हो रहे हैं। स्लाइड में आगे देखेंगे, ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, एक दूसरे की टांग खींच करके, उनको पीछे करके, उनका तिरस्कार करके और खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि नितांत गलत है। और ऐसा करने के बाद कभी भी उत्थान हो भी नहीं पाता, ऐसे लोग नीचे गिर जाते हैं। स्वार्थ पूर्णे संलग्नाहा ते परेशान कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयन्ति। ते अर्थात वे लोग स्वार्थ पूर्णे संलग्नाहा, निरंतर अपने बारे में ही चिंतन करते हैं कि हम क्या करें और कैसे करें, सिर्फ स्वार्थ। परेशान कल्याण विषय नैव किमपि चिंतयन्ति, वो समाज के विषय में या दूसरे प्राणियों के विषय में कभी कोई चिंतन अपना नहीं रखते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातम्, उन लोगों का या उनके जीवन का उद्देश्य इस प्रकार से हो गया है। किस प्रकार से? तो ये श्लोक की एक पंक्ति यहाँ लिखते हैं, नीचैर नीचैः अति नीच नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम्। नीच का अर्थ निम्न क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसको समाज सर्वमान्य नहीं है समाज में जी, वो निम्न क्रियाएं, और अनीचैः अथवा निम्न क्रियाएं नहीं है फिर भी वह समाज उसे स्वीकार नहीं करता, ऐसी अनीच क्रियाएं, अधम क्रियाएं। और अति नीच नीचैः का तात्पर्य है कि निम्न क्रियाओं से भी अति निम्न क्रियाएं, मतलब जो सर्वथा ही अमान्य है, जिसको समाज किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता, वो अति नीच अति निम्न क्रिया मानी जाती है। तो ये तीन यहाँ उदाहरण दिया कि इस प्रकार से जो समाज में स्वीकृत नहीं है, ऐसी मान्यताओं को ले करके भी अपना काम सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि मैं जो चाह रहा हूँ वही हो, भले वो समाज के हित में हो या समाज के हित में ना हो, इसका परिणाम भले ही हानिकारक हो, लेकिन मैंने कह दिया, अहम वाली जो बात आ जाती है, इसलिए वो मान्य होना चाहिए, ऐसा जो भाव है कहीं ना कहीं वो बड़ा दुखद होता है। तो इसे ही स्वार्थ की अत्यंत जो पराकाष्ठा है कहा गया कि स्वार्थ की जो पराकाष्ठा, वो ये इस प्रकार की क्रियाओं के रूप में हमें दृष्टिगत होता है। आगे हम देखते हैं कि अति नीचे नीचे ही सर्वै ही उपाय ही फलमेव साध्यम्, सभी उपायों से अपने फल को सिद्ध करने में लगे हुए जो लोग हैं, ऐसा जिनका उद्देश्य है, वो लोग अब अगर अधिक बढ़ेंगे समाज में तो समाज की स्थिति कैसी होगी परिकल्पना कर सकते हैं जी। इसलिए अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, समाज में लोगों के बीच परस्पर स्नेह का संवर्धन हो, प्रेम का संवर्धन हो, प्रेम बढ़े, इस उद्देश्य से अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन्। अगर मनुष्य में आत्माभिमान है तो वह पशु पक्षियों में भी किंचित या किसी न किसी रूप में होगा, पाया जाता है। हाँ, पाया जाता है, उसको दिखा करके, उसको यहाँ पे
दर्शाया गया, एक साधन मान करके, उपकरण के रूप में प्रयोग करके किया गया है कि समाज में पशु पक्षी लोगों से हमें सीख लेना चाहिए, या पशु पक्षी लोग भी ऐसा करते हैं तो गलत होता है, तो फिर मानव को भी इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करना चाहिए। तो पशु पक्षिणाम माध्यमेन एषा शिक्षा अत्र प्रतिपादिता वर्तते यत कथम व्यवहरणीयम्। पशु पक्षिणाम माध्यमेन समाजे व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयन प्रकृति मातुः माध्यमेन, यहाँ प्रकृति माता आती हैं और वो सिखाती हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को व्यवहार करना चाहिए। अन्ते निष्कर्षः स्थापितः, पाठ के अंत में यह निष्कर्ष बताया गया है, यत कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति, काल के अनुसार अर्थात जब जिसका समय होता है उस समय के अनुसार सबका महत्व समाज में स्वीकृत है, सभी महत्वपूर्ण हैं, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे के आश्रित हैं, समाज में सबको एक दूसरे की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है और रहेगी भी, तभी समाज चल पाएगा। इसी बात को गीता में परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाश्यथ कहा गया है कि गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, अर्थात यहाँ पे देवताओं को उद्देश्य करके रखा गया कि हम जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से देवता संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट जो देव हैं वो हमें संतुष्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, अर्थात प्रकृति शुद्ध होती है उसके धूम से, उसका जो धुआं होता है, तो प्रकृति अगर शुद्ध होगी तो वो देवता हमें शुद्ध रखेंगे, अर्थात हम भी निरोगी काया वाले होंगे, हम भी स्वच्छ और सुंदर वातावरण में जीवन यापन करेंगे तो दीर्घायु होंगे, समय समय पर वर्षा होगी, प्रकृति का संतुलन बना रहेगा, तो दोनों के बीच में अगर इस प्रकार का पोष्य पोषक भाव होगा, एक दूसरे का उपकार करने वाले होंगे, तो समाज ज़्यादा गतिशील होता है, ज़्यादा गतिमान होता है। लेकिन जैसे वर्तमान की परिस्थितियाँ, वैश्विक परिदृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, हम सामने वाले को अपने अनुसार चलाने के लिए उसके ऊपर अगर बमबारी कर देते हैं तो प्रकृति दूषित तो हो जाएगी, और वो दूषित प्रकृति केवल वहीं के लिए नहीं होगी, संपूर्ण पृथ्वी के लिए होगी, संपूर्ण वायुमंडल के लिए होगी, तो सभी प्राणी इससे प्रभावित होंगे, सबका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए प्रकृति दूषित ना हो निरंतर इसके लिए हमें प्रयासशील रहना होगा, निरंतर हम यह विचार करते रहें कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उन क्रियाओं से समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम स्लाइड में देखेंगे, इस पाठ में प्रकृति माता आती हैं, वो कहती हैं कि सभी अन्योन्याश्रित हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं, अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम्। इसलिए हम सभी को अपने कल्याण के लिए, जो लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सभी का कल्याण रहे, सब सुखी रहें समाज के लोग, तो परस्परम स्नेहेन, परस्पर अर्थात एक दूसरे के साथ में स्नेह वाला व्यवहार होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। आप हर समय सुनते होंगे मैत्री वार्ता हो रही है, है ना, ये बहुत प्रसिद्ध टर्म है, हाँ, मैत्री का संदेश दिया, मैत्री ट्रेनें चलाई जाती हैं, यात्राएं होती हैं, तो ये मैत्री वाला जो व्यवहार है इससे तात्पर्य होता है। मैत्री व्यवहार इसीलिए कहा जाता है कि जहां मित्रता होती है वहां पर दूसरे का अहित कभी नहीं होता। बिल्कुल, हम अगर हृदय से किसी को अपना मित्र मानते हैं तो फिर उसका अहित कभी नहीं कर सकते, सदा हाँ उसके भले का सोचेंगे कि उसका उत्थान कैसे हो। इसीलिए समाज में मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए बार बार बल दिया जाता है। ये इस पाठ की रूपरेखा है, इस पाठ का संदेश हम पढ़ रहे थे, आगे पाठ का मूल उत्स हम देखेंगे कि पाठ का अंश क्या है। ये एक नाटक है, इस नाटक में कई पात्र हैं, पशु पक्षी अलग अलग पात्र हैं, उन पात्रों के माध्यम से यह नाटक विद्यालयों में किया जाता है। पाठ का आरंभ यहाँ से होता है, इसमें एक दृश्य है, आप समझें कि हम नाटक देख रहे हैं, उस मंच पर यह दृश्य दिखाई पड़ रहा है, इसी कल्पना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका भाव समझ में आएगा जी।
वनस्य दृश्यम अर्थात वन का एक दृश्य है। समीपे एव एका नदी वसति वहति, समीप में ही पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति, नदी के का जल प्रवाह है, उस जल के प्रवाह की वजह से वहाँ पर शीतल वायु बह रही है, तो वहाँ का वातावरण ठंडा है, इसलिए उस ठंडे वातावरण में शेर सुखपूर्वक सो रहा है, विश्राम कर रहा है। तदा एव एकः वानरः आगत्य, उसी समय एक वानर वहाँ आ जाता है, आगत्य आकर के, तस्य पुक्षम धुनाति, उसकी जो पूंछ है वो खींचना शुरू करता है, उसकी पूंछ खींचता है, उसकी पूंछ को घुमाता है, धुनाति माने घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति, सिंह की नींद, सिंह की नहीं किसी की भी नींद टूटती है, उसे क्रोध आता है, सिंह भी वहाँ स्वाभाविक क्रोधित होता है और वह उसको मारना चाहता है, प्रहर्तुम इच्छति माने उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, लेकिन वानर जो है वह कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है, जब तक वह हाथ पांव चलाता है अपना तब तक पुनः वह वृक्ष पे चला जाता है, वृक्षम आरूढ़। तदैव तदा एव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः, उसी समय दूसरे वृक्ष से दूसरा वानर, अपरः अर्थात दूसरा अन्यः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य, आकर के वह सिंह का कान, कर्णम अर्थात कान, आकृष्य खींच करके पुनः वृक्षों पर आरोहति, दूसरा बंदर जो है वह उसका कान खींचता है और वह भी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ते, इस प्रकार से वानर जो वहाँ थे वो सब मिल करके सिंह को तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, सोने नहीं दे रहे थे, सिंहम तुदन्ते अर्थात उसको व्यथित कर रहे थे, तंग परेशान कर रहे थे। क्रुद्ध सिंहः इतस्ततः धावति, वह परेशान होता है और इधर उधर दौड़ता है, गर्जति गर्जना भी करता है, परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, लेकिन वह कुछ करने में असमर्थ रहता है, कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वह बंदर उसको परेशान करके और भाग रहे थे। वानराः हसन्ति, और वो हंसते भी हैं, उसकी पूंछ खींचने के बाद वो हंसते हैं। वृक्षों परिच विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, जो वृक्ष के इधर उधर बैठे हुए पक्षी थे, वानराः हसन्ति बंदर हंसते हैं, और वृक्षों पर विविधाः पक्षिणः, वृक्ष के ऊपर जो विविधाः अनेकाः पक्षिणः, जो अलग अलग और पक्षी थे, वो भी सिंह की इस प्रकार की दशा को देख करके, दृष्ट्वा देख करके, हर्ष मिश्रितम कलरवम, वो व्यंग पूर्वक वहाँ अपनी कोलाहल करते हैं, कलरव करते हैं, चीउ चाँव जो अलग अलग बोलते हैं ना, अपनी ध्वनि करते हैं, उस कलरव कर रहे थे और उसका उपहास ले रहे थे। निद्रा भंग दुखेन वानर राजह सन्नपे, वन राजह सन्नपे, निद्रा भंग दुखेन वन राजह सन्नपे, निद्रा किसी की जब टूटती है तो थोड़ा दुखी होता है, वह शेर भी दुखी हो रहा है वहाँ पे, यद्यपि वह वन राजा है, वन का राजा है, वन राजा सन माने होते हुए भी, सन्नपि अर्थात होते हुए भी, वह वनराज होते हुए भी, तुक्ष जीवै ही आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्थया श्रांतः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति, वह अन्य जो वहाँ पे जंतु हैं माने पशु पक्षी हैं, अपनी इस प्रकार की दुर्वस्था को देख करके परेशान होता है, उससे श्रांत हो करके, थक करके, और एक तो नींद में सो रहा है और फिर परेशान हो रहा है, तो वो ना तो मारना भी नहीं चाह रहा है शेर को, शेर उसको कि हम क्या परेशान हो, तो अपनी दुर्वस्था को देखता है, उसे खुद में बड़ा ग्लानी जैसी महसूस होती है, ग्लानी का अनुभव करता है, और सभी जंतुओं को देख करके वह पूछता है, और क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गर्जना करते हुए बोलता है, अहम वन राजह, मैं वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम लोगों को भय नहीं हो रहा है, हमसे भय नहीं हो रहा है, किमर्थम माम एवं तुदंती, क्यों मुझे तुम लोग इस प्रकार से, सर्वे मिलित्वा, सभी लोग मिल करके हमको क्यों परेशान कर रहे हो। एकः वानरः, एक वानर बोलता है, यतः त्वं वनराजः, क्योंकि तुम तो वनराज हो, भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, तुम जंगल का राजा होने के सर्वथा अयोग्य हो, होने लायक नहीं हो,
राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षा करता है, पर भवान तो भक्षक, तुम तो प्राणियों को खा लेते हो, इसलिए तुम राजा नहीं हो सकते। अपिच स्वरक्षायाम अपि सर्वथा समर्थ नासी, तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, हम तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं, तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। इस प्रकार की जब बातचीत शेर और वानर में होती है तो फिर आगे और बातचीत होगी, उसको हम अगले भाग में इसको देखेंगे। बहुत सारी बातें होंगी और सारे पक्षी आएंगे, वो बताएंगे कि सिंह जंगल का राजा नहीं हो सकता, वो होने के लिए समर्थ नहीं है। कौवा बोलेगा मैं हूँ, हंस बोलेगा मैं हूँ, बगुला बोलेगा मैं हूँ, हाथी बोलेगा मैं हूँ, बड़ा रोचक है, इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रसंग है, आप ये जो नाटक का मंचन अभी आप देख रहे थे, जिसको कि बताने का प्रयास कर रहे थे वेद प्रकाश जी, अगले भाग में हम इसे जरूर पूर्ण करेंगे। आज हम अपनी ये चर्चा यहीं, जो जब शेर से ये वार्तालाप हो रहा है, बाकी जो हमारे पशु पक्षी हैं उनका, इसको यहीं रोकते हैं, हमारा ये सत्र यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप यहाँ तक आए। धन्यवाद। ये संस्कृत का सत्र यहीं समाप्त होता है, अगला सेशन लेकर अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में, देखते रहिए PM E Vidya Channels। नमस्कार।